पर से आप हम इस आयत का तर्जुमा करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह की उस शान को याद करो जबकि तुम पर फौजें आ पड़ी तो हमने इन पर आंधी भेजी और फौजें भेजी जो तुमको दिखाई ना देती थी। नईम बिन मसूद शजी रजी तालान्हा कबीला गुतफान से थे। वो पहले काफिर थे, कुरैश और यहूदी इनको मानते थे, वो इस्लाम ला चुके थे लेकिन कफारों को इस बात का इलम ना था। उन्होंने कुरैश और यहूदी से अलग अलग जाकर इस किस्म की बातें की जिससे दोनों में फूट पड़ गई, फूट मतलब लड़ाई पड़ गई। अबू सुफियान ने फौज से कहा, रसद ख़त्म हो चुकी है, मौसम सर्द है, यहूद ने साथ छोड़ दिया, महासरा बेकार है और वहाँ से रवाना हो गए। मतलब अबू सुफियान हिम्मत हार गए। उन्होंने कहा कि सर्दी बहुत है, जो यहूद हमारे साथ है उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है, अब ये जो महासरा जो लड़ाई है ये बेकार है, तो हम यहाँ से चलते हैं। नतीजे जंग के क्या निकले थे? इस मार्के में फौज इस्लाम का जानी नुकसान कम हुआ, मतलब फौज का जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन इंसार का सबसे भरा बाजू टूट गया। हज़रत साद बिन माज से तनाना कबीला औस के सरदार की शहादत हुई। जंग एजाब दर हकीकत नुकसान और जान माल की जंग ना थी, मतलब इसमें जानी और माली नुकसान नहीं हुआ बल्कि एजाब की जंग थी। इसमें कोई खून रेस मतलब कत्लो गारत मार का पेश ना आया लेकिन भी ये तरीके इस्लाम की एक फैसला कुन जंग थी। मुश्रिकीन के हौसले टूट गए और ये वाजह हो गया कि अरब की कोई भी हकीकत मुसलमानों की इस छोटी सी ताकत को जो मदीने में नशूनुमा पा रही है ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि गज़वा खंदक में जितनी बड़ी ताकत फराम की गई थी इससे बड़ी ताकत फराम करना कुफार के बस की बात नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं, आपने इसकी अच्छी सी रीडिंग करनी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।